हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करते हैं स्टॉक एनालिसिस जो कल हमने दिया था उसके साथ क्या हुआ और कल कौन कौन से स्टॉक्स हैं तो सबसे सब पहले कल के स्टॉक्स को देख लेते हैं एक बारी तो कल हमने दिया था बाय के लिए आयशर मोटर और हिंडाल को लेकिन दोनों में हमें ट्रेड मिला ही नहीं टी में हमें ट्रेड मिला जो हमने सेल साइड के लिए दिया था और ये फॉल हुआ और ग्लैनमार्क में भी हमें ट्रेड नहीं मिला बिकॉज ये अप एंड में चला गया लो ब्रेक नहीं किया तो हमने एंट्री नहीं ली सो so, कुल मिला हमें एक ही एंट्री मिली जो कि सक्सेसफुल रही ठीक है सो so, अब चलते हैं हम आ, आज के लिए जो दो स्टॉक हैं बाइंग में वो है आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस और सिप्ला और सेल साइड में है अपना कोलगेट पा, पामोली और ग्लेनमार्क तो चलिए क्यों है इसको जरा चार्ट पे देख लेते हैं आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस so, ऐसे ऐसे लॉम्बाट का अगर हम चार्ट देखें तो देखिए ये सपोर्ट पे खड़ा है काफ़ी टाइम से ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है ठीक है और अगर हम इसको थोड़ा डीप देखें चार्ट को तो देखिए कंटिन्यूस विक्स बन रहे हैं नीचे से कंटिन्यूस ये कर्व दिख रहा है आपको तो ये एक बार को अगर प्रेशर से टूटेगा तो बहुत तेज़ी से ये ऊपर जाएगा तो इसलिए हमने इस स्टॉक को कंसीडर किया है अप एंड के लिए अप मूव के लिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सिप्ला सिप्ला देख लेते हैं <coughs> तो देखिए सिप्ला काफी दिनों से ये पिछले तीन चार दिनों से इसी पोजीशन को होल्ड कर रहा है और आज इसने एक बाउंस भी दिया है तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है इसके अप मूव अप की ठीक है नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोलगेट पामोलिव ये कोलगेट पामोलिव सेल साइड के लिए कोलपाल जो है हमारा सेल साइड के लिए तो देखिए सेल के लिए क्यों है बिकॉज अगर आप देखिए एक रेंज में बना हुआ है और कंटिन्यूसली ये ऊपर से फॉल कर रहा है ठीक है तो अगर ये जो देखिए जो प्रेशर जो दिख रहा है ऊपर से सेल साइड का वो काफी स्ट्रांग है एक बार को अगर ये ब्रेक किया तो बहुत तेजी से ये अभी और नीचे को हमें देखने को मिल सकता है तो इसलिए हमने कोलगेट को सेल साइड के लिए कंसिडर किया नेक्स्ट है हमारा मार्क तो देखिए मार्क एक अप, पिछले कुछ दिनों से एक बाउंस किया है बट कहीं ना कहीं यहाँ एक रेजिस्टेंस इसको आ रहा है तो एक पुल बैक जरूर लेगा अगर इसको ऊपर भी जाना है तो इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की तरफ होगा ठीक है तो कल के लिए ये चार स्टॉक थे जो हमने कंसीडर किया है ट्रेडिंग के लिए सो so, लेट्स कल क्या होता है uh, जो भी होगा हम कल फिर इवनिंग में इसको दोबारा एनालाइज करेंगे ठीक है so, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब